दोस्तों रिक्वेस्टेड वीडियो का आज ये सेकंड पार्ट है। इस ब्लाउज का कटिंग वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो अभी की अभी देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। सबसे पहले आप लोग इस ब्लाउज का फिटिंग्स देख लीजिएगा, फ्रंट पे देख लीजिएगा और बैक साइड भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बैक साइड में कोई डोरी भी नहीं है, फिर भी शोल्डर गिरने का कोई भी चांस नहीं है। तो किस तरीके से कटिंग और सिलाई करने से इतना अच्छा फिटिंग्स होता है, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा सिलाई दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये जो ब्लाउज है ये डबल कटोरी ब्लाउज ही रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो फिर चलिए दोस्तों और टाइम वेस्ट नहीं करना है, किस तरीके से ब्लाउज सिलाई करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेते हो। दोस्तों ज्यादातर लोग सिलाई में दिक्कत करते हैं, सही तरीके से वो लोग सिलाई नहीं करते हैं, जिसके कारण उन लोगों का ब्लाउज पे बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होता है। अगर सही तरीके से आपको ब्लाउज तैयार करना है तो सिलाई का वीडियो हमेशा पूरा देखिएगा बिना स्किप करके, तब आपको ब्लाउज पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों कैसे ब्लाउज सिलाई करते हैं पूरा देख लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कौन कहाँ से मेरे वीडियो देखते हो कमेंट में जरूर लिख देना। जब आप लोग लिखते हो ना तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों देखिए जिस तरीके से मैंने ब्लाउज पीस काट किया था, सेम तरीके से मैंने अस्तर यहाँ पे काटिंग कर लिया। काटिंग के बाद देखिए अस्तर और ब्लाउज का फैब्रिक चारों ओर घुमा के मैंने मशीन से सिलाई लगा लिया। अगर आपको मशीन से सिलाई करने में दिक्कत होता है उस टाइम पे आप नॉर्मली सुई धागा से हाथ से सिलाई कर सकते हो। देखिए जितना भी पार्ट है ना पूरा मैंने अस्तर काटिंग करके अंदर की तरफ यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अभी देखिए बैक पार्ट सेम, मैंने बैक पार्ट पे अस्तर यहाँ पे जेंट लगा लिया और कमर पे देखिए टैक्स भी मैंने लगा लिया। टैक्स लगाने के बाद कमर पे देखिए अलग से मैंने कमर पट्टी सिलाई कर लिया, क्योंकि फ्रंट पे मुझे कमर पट्टी नहीं सिलना है। देखिए ये एक साइड पे देखिए फ्रंट पार्ट मैंने तैयार कर लिया, कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए हो गया है। अभी सिर्फ यहाँ पे हुक पट्टी रह गया है। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए कमर पट्टी सिलाई करने के बाद दोनों का लंबाई बराबर हुआ है। जो यहाँ पे जो अलग से कमर पट्टी मैंने सिलाई किया ना, इसके साथ पहले ऐसे सिलाई लगा लूंगी, सिलाई के बाद एक साथ मैं यहाँ पे फोल्ड करके कमर पट्टी यहाँ पे तैयार कर लूंगी। तो फ्रंट पे मुझे अलग से कमर पट्टी सिलने का कोई भी जरूरी नहीं होगा। अभी फ्रंट पार्ट देखिए दूसरा पार्ट रह गया, इसको सिलाई करना है। तो देखिये नॉर्मल जैसे मैं हमेशा सिलाई करती हूँ बिल्कुल वैसे आपको इस तरीके से रखना है। यहाँ पे इस साइड से लेना है ये जो पार्ट है नेक साइड, यहाँ पे आपको सिलाई नहीं करना है, इस साइड से लेना है। इसको बराबर ऐसे मिला लो। मिलाने के बाद देखिए बिल्कुल यहाँ से लगभग हाफ पीस यहाँ पे लेना है। मिडल पे आने के बाद थोड़ा सा कम कर लेना है, फिर यहाँ पे दबा के उठा के आपको देना है। इस तरह से सिलाई करना है। यहाँ पे कम ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपको बराबर रहना है। तो चलिए पहले ये सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सीधा करके एक सिलाई आपको जरूर देना है, तब यहाँ पे क्या होगा टैक्स देने में इजी होता है। ब्लाउज का फैब्रिक और अस्तर दोनों बराबर रहता है। अभी टैक्स देना है तो टैक्स के लिए देखिए जो कटोरी का दोनों पॉइंट है ना बिल्कुल बराबर रखना है इसको। यहाँ पे कम ज्यादा होगा आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे बराबर रखना है। अभी इसमें पौने एक ही लेना है। कितना तक उठाना है इस पर देखिए, हाफ इंच पे ज्यादा आपको छोड़ देना है। अभी देख सकते हो शेप कितना अच्छा हुआ है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर है इसको काट कर लेना है। अभी ये कटोरी का साइड पार्ट यहाँ पे पहले बराबर ऐसे लेना है। लेने के बाद ये जो पार्ट है इसको ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ पे देखिए हल्का सा तिरछा होगा, ये जो कटोरी का पार्ट है ना इसमें हल्का सा बाहर की तरफ रखना है, फिर यहाँ पे तिरछा करके सिलाई देना है। ये सिलाई करते टाइम आपको हल्के हाथ से सिलाई करना है, कोई भी खिंचाव नहीं रखना है। कटोरी का जो यहाँ पे देखिए सिलाई है ना ये फैब्रिक ऊपर की तरफ रखना है। इसमें आपको जरूर पीकू करके देना है। अगर आपको पीकू नहीं होता है उस टाइम पे इस तरीके से फोल्ड करके आपको सिलाई देना है। देखिए ऐसे फोल्ड करके दबा के सिलाई देना है। देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे हो गया है।
अभी बेल्ट के लिए यहाँ पे निशाना देना है, इस साइड पे 1.25 लेना है। मिडल पे आप 1.75 रख दो, इतना एक्स्ट्रा है। इसमें 2 इंच रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो 1.25 भी दे सकते हो। अगर आपका फुल बस्ट बहुत ही कम है, 1.25 इंच रख दो। इसमें ज्यादा करके होल करना है। को पहले इस तरीके से रखना है। रखने के बाद आपको बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट लेने के बाद यहाँ पे चेक करके देखना है, बैक पार्ट की लंबाई के हिसाब से इसका लंबाई कम है या ज़्यादा ही देखना है। अगर इसका लंबाई बहुत ही कम होता है, उस टाइम पे हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे देना है। अगर बैक पार्ट के हिसाब से इसका लंबाई बराबर होता है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तब हल्का सा ऊपर की तरफ उठा देना है। और वो कमर पट्टी सिलाई करने से पहले भी आप ये मेजरमेंट ले सकते हो, कमर पट्टी सिलाई करने के बाद भी ले सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे बराबर मिला लूंगी, क्योंकि देखिए कमर पट्टी मैंने सिलाई कर लिया बैक पे, अब इसके हिसाब से लंबाई में रख दूंगी, तो जितना लंबाई है यहाँ पे बिल्कुल बराबर होगा। अभी हमें हुक पट्टी आई पट्टी सिलाई करना है। ध्यान में रखना है, हुक पट्टी हमेशा आपको ऊपर की तरफ से लेना है, बाहर की साइड से लेना है, और वो ज्यादा चौड़ा करके नहीं लेना है। इसमें देखिए बेल्ट सिलाई करने के बाद बेल्ट पे जो साइड पे एक्स्ट्रा है ना, इसको तिरछा करके काट कर लेना है। इसमें चेक करके देखना है बराबर है या नहीं, अगर बराबर नहीं होता है, जितना एक्स्ट्रा है उतना काट कर लो। अभी ये आई पट्टी होगा, आई पट्टी अंदर की तरफ से लेना है, और इसका चौड़ाई ज्यादा लेना है, 3.5 इंच से 4 इंच लेना है। पोटरी का जो ये जॉइंट है ना, इसको ऊपर की तरफ रखना है। अभी देखिए ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसमें बाद में तुरपाई लगा लेना है, मिशन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुरपाई करने में देखने में बहुत ज्यादा लेकिन तुरपाई करने के बाद देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना है, हल्का सा काट कर दो। अभी देखिए बैक और फ्रंट का शोल्डर यहाँ पे ज्वाइन करना है। नेक साइड पे देखिए, जो नेक साइड है ना, इसमें हल्का सा आपको तिरछा करके डाउन करना है सिलाई करते टाइम, तब क्या होगा, शोल्डर आपका कभी भी नहीं गिरेगा। दोनों साइड पे आपको सेम तरीके से सिलाई देना है।
के लिए हमें उदय पट्टी लेना है, यहाँ से हमें सिलाई करना है। बाद में इसको तुरबा कर लेना है। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हो। अभी देखिए फ्रंट और बैक साइड दोनों पे आपको इस तरीके से हल्का हल्का काट लगा देना है। राउंड नेक पे जरूर आपको काट लगाना है, नहीं तो पलटने में ये दिक्कत होगा और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं होगा। जब भी राउंड नेक करते हो ना, जब भी आप राउंड नेक करते हो उस टाइम पे ऐसे काट कर देना है। ध्यान में रखना है आपका सिलाई ना काटे। इस तरीके से पूरा मैं काटिंग कर लूंगी। अभी ऊपर की तरफ और एक सिलाई देना है। ये सिलाई देने से फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होता है। पूरा घुमा के ये सिलाई कर लेना है। अभी दोबारा से इस तरीके से सिलाई कर देना है। ये सिलाई करने से तुरपाई करने में बहुत ही इजी होता है। जिन लोगों को ये सिलाई करने में दिक्कत होता है, जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट तुरपाई कर लीजिएगा। देखिए ये सिलाई हो गया है। अभी इसको अंदर की तरफ डायरेक्ट ऐसे तुरपाई कर लेना है। तब क्या होता है, तुरपाई करने में बहुत ही इजी होता है, फोल्ड करने का जरूरी नहीं होता है। पहले से फोल्ड था तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे रह गया है स्लीव ज्वाइन करना है। तो स्लीव ज्वाइन करने से पहले देखना है शोल्डर का दोनों फेब्रिक बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा फेब्रिक इसमें ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसको काट कर लेना है। स्लीव देखिए मैंने पहले तैयार कर लिया। अभी इसमें देखिए बिल्कुल शोल्डर का मिडल और स्लीव्स का मिडल लेना है। यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए ना मैंने सिलाई कर लिया, और जितना चाहिए उससे भी मैंने ज्यादा यहाँ पे ऐड किया। देखिए जितना मैंने ज्यादा ऐड किया था उतना यहाँ पे ज्यादा हुआ है। मुझे 1 इंच चाहिए था लेकिन मैंने 2 इंच से भी ज्यादा यहाँ पे ऐड कर दिया। अंदर ऐड किया तो रख दिया मैं, मतलब बाद में काट लूंगी। अभी जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ है ना, स्लीव्स का दूसरा साइड लेना है। जो मैंने स्लीव्स यहाँ पे सिलाई किया उसका दूसरा साइड लेना है। इसको बराबर यहाँ पे मिलाना है। जो एक्स्ट्रा है ना बराबर इसमें निशाना लगा देना है, वो एक्स्ट्रा है। क्यों देखिए यहाँ तक हमें चाहिए, तो इसमें पहले पिन अप लगा लो। हो गया है, लेकिन सिलाई हमें शोल्डर से करना है। बिल्कुल शोल्डर का मिडल पे आना है। इस सेट भी सेम तरीके से हो गया है। अभी दूसरा स्लीव भी हमें सेम तरीके से सिलाई कर लेना है। यहाँ पे देखिए जितना एक्स्ट्रा है ना उतना एक्स्ट्रा यहाँ पे छोड़ देना है।
सुनने के बाद यहाँ पे बैक और फ्रंट का बिल्कुल आर्म होल से हमें सिलाई करना है। यहाँ से सीधा नीचे की तरफ लेके आना है। देखिए साइड पे सिलाई हो गया है और इसमें अंदर देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इतना फैब्रिक नहीं रखना है, हल्का सा काटिंग कर लेते हैं। अब ये पहले ही काट कर सकते हैं। अभी देखिए जो बैक पार्ट का यहाँ पे कमर पट्टी मैंने सिलाई किया ना, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। इसके हिसाब से हमें फ्रंट पे लेके आना है। देखिए फ्रंट पे चाहो तो ऐसे सीधा भी ले सकते हो, या चाहो तो हल्का और भी ज्यादा फोल्ड कर सकते हो। फ्रंट का ये फेब्रिक है ना उतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, छोटा होने से और भी अच्छा होता है। देखिए मैं हल्का सा बैक के हिसाब से यहाँ पे हल्का सा ज्यादा रखा हूँ। लेकिन इसको आपको बराबर रखना है, इसके हिसाब से ऐसे फोल्ड कर लो। इतना सिलाई करने के बाद ये एक साइड का पार्ट यहाँ पे लेना है। लेने के बाद ये जो पार्ट है दूसरा पार्ट ऐसे बराबर रखना है, इसके हिसाब से इसका भी फोल्ड करना है। दोनों का लंबाई बराबर होना है, नहीं तो एक पार्ट का लंबा ज्यादा होगा एक पार्ट का कम होगा। अभी इसमें फिटिंग देना है। फिटिंग देने में अगर आपको दिक्कत होता है उस टाइम पे क्या करना है, काटिंग करते टाइम आप जितना एक्स्ट्रा लेते हो, यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 2 इंच से पहले निशाना लगा लो दोनों साइड पे सेम तरीके से। 2 इंच पे एक्स्ट्रा निशाना लगा लो। 2 इंच पे निशाना देने के बाद आप यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से टोटल हाफ इंच इसमें हल्का सा ज्यादा लेना है, इसमें भी हल्का सा ज्यादा टोटल हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से लेने से अलग से और कुछ भी नहीं करना है। अभी देखिए इसमें कमर के लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जितना आपको चाहिए सिर्फ उतना ही यहाँ पे लेना है। तो मुझे 30 चाहिए तो यहाँ पे 30 के हिसाब से मैं रखूँगी, दोनों को मिला देना है। आप यहाँ पे देखिए फिटिंग्स का सिलाई बिल्कुल सीधा हुआ है। अभी स्लीव्स का देखिए, ज़्यादातर लोगों का स्लीव्स पे दिक्कत होता है। यहाँ पे देखिए स्लीव्स का मोहरी अगर मेरा 10 इंच भी होगा ना, फिर भी इसमें देखिए फिटिंग्स का सिलाई बिल्कुल सीधा होगा, तिरछा नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 12 होगा तब भी देखिए कितना अच्छा यहाँ पे हुआ है। दोनों साइड पे सेम, अगर काटिंग और सिलाई आपका बराबर होता है ना उस टाइम पे सिलाई में फिटिंग्स की सिलाई में आपको कभी भी इस तरीके से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। काटिंग पे आपको ध्यान देना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा काटिंग कैसे करना है और सिलाई कैसे करना है। अभी इसको मैं सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए हमें फिटिंग्स का सिलाई हो गया है। अभी देखिए स्लीव्स की मोहरी पे जितना भी एक्स्ट्रा है ना इसको काट कर लेना है। आप अपने हिसाब से अंदर रख सकते हो, बाकी काट कर लेना है। यहाँ पे देखिए फिनिशिंग कितना अच्छा हुआ है। अभी तुरपाई करने के बाद और हुक लगाने के बाद इसका फिटिंग्स देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हुक और आई भी तैयार हो गया है। यहाँ पे पूरा तुरपाई हो गया है, इसमें भी कमर पर तुरपाई हो गया है, ये जो स्लीव्स है इसमें तुरपाई हो गया है। देखिए दूसरे साइड पे देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार हो गया है दोस्तों। जिस तरीके से मैंने आपको सिलाई समझाया, अगर आप सेम तरीके से करते हो ना उस टाइम पे देखेगा आपके ब्लाउज पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जिन लोगों का शोल्डर गिरने का दिक्कत होता है उनका भी दिक्कत नहीं होगा। और इसमें देखिए और एक बात बोलना चाहूंगी, जो स्लीव्स है ना स्लीव्स में देखिए जितना गहराई से आप फ्रंट पे काटिंग रखोगे ना उतना आपका यहाँ पे रिंकल्स नहीं रहेगा। तो ज्यादा काटिंग गहरे से काटिंग करने से क्या होता है, ऐसे हाथ उठाने में हल्का सा यहाँ पे खिंचाव होता है, तो जिसके कारण हम लोग फ्री रखने के लिए थोड़ा सा फैब्रिक रख देते हैं। अगर हल्का खिंचाव होने से आपको कोई दिक्कत नहीं होता है ना उस टाइम पे, यहाँ पे आप और भी गहराई से काटिंग कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा लूजिंग रह गया है, बाद में फिटिंग्स लगा लूंगी उस टाइम पे और भी अच्छा फिटिंग यहाँ पे हो जाएगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको टाटा।